झारखंड की राजधानी रांची को अपराधियों ने अपराध की राजधानी बना डाला है। अपराधियों का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि जब जिसे जहां चाह रहे गोलियों से भून दे रहे। अपराधियों के साम्राज्य के सामने पुलिस बौनी साबित हो रही है। पुलिस लाख दावा करे कि रांची में और राजधानी में विधि व्यवस्था बेहतर हो गई है, लेकिन तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ताजा मामला बरियातू थाना क्षेत्र के साइंस सिटी गेट के पास का है। शुक्रवार की देर रात बाइक सवार अपराधियों ने जूस कारोबारी और उसके स्टाफ को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। बता दें कि जूस कारोबारी मुकेश की मौत मौके पर हुई, जबकि उसका कर्मचारी रोहन का इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना की जानकारी के बाद पूरे इलाके में दहशत सा माहौल बना है और अपराधी जिस तरह से तांडव मचा रहे हैं, राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के कारोबारी डर के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि आम तौर पर देखा जा रहा है कि हर दिन छोटे कारोबार से जुड़े हो या बड़े कारोबार से, अपराधी उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं और मौत के घाट उतार दे रहे हैं। अगर बात हम इस घटना की करें तो चतरा के रहने वाले मुकेश कुमार साहु अपने स्टाफ के साथ शुक्रवार की देर रात अपनी दुकान बंद कर वापस बरियातू थाना क्षेत्र स्थित साइंस सिटी पास घर है वहां जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही वह साइंस सिटी गेट के पास पहुंचे, बुलेट सवार दो युवक आते हैं और उन्हें रोककर पहले कुछ बात करते हैं। इस दौरान फिर कमर से गन निकालते हैं और दोनों ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। इस घटना में जैसे ही उनको लगा कि यह दोनों मर गए हैं, उनकी मौत हो गई है, उसके बाद वहां से आराम से चलते बने। मामले की जानकारी जैसे ही रांची पुलिस को लगी, पूरा पुलिस महकमा मौके पर पहुंचकर जांच में जुटा है। साथ ही एफएसएल टीम को बुलाकर कई साक्ष्य जुटाया गया है। अगर बात करें पुलिस को, तो पुलिस ने आसपास के लोगों से पूरे मामले की जानकारी ली और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज देखने में कई जानकारी हाथ लगी है और पुलिस यह दावा कर रही है कि वह अपराधियों को पहचान चुकी है, उनकी पहचान हो गई है। इसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही है। कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली चालन की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कि जो जूस काउंटर के ओनर थे उनकी डेथ हो गई, उनके स्टाफ को भी गरीब से ले जाया गया जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यहाँ पर लोकल पुलिस की पूरी टीम पहुँची हुई है और एसएल की टीम भी बुलाई गई है और सीसीटीवी फुटेजेस भी कुछ मिले हैं हम लोगों को। इसमें सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई है और कांड का अनुसंधान किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है। उम्मीद है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पिछले एक महीने से लगातार झारखंड में अपराधियों का तांडव जारी है। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीजीपी के साथ एक मीटिंग किया और कहा कि अपराध पर नियंत्रण करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में अब कर्म अधिकारी रिपीट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ दिन पहले ही डीजीपी के साथ बैठक कर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अपराध पर अंकुश लगाए, अन्यथा अब अधिकारी को नपेंगे। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद आपराधिक घटनाएं तो नहीं रुकी और ना ही अपराध पर लगाम लगा, बल्कि आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो गई। ऐसा लगता है कि अपराधी खुलेआम अब चुनौती दे रहे हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम ऐसे ही गोलियां चलाते रहेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले एटीएस डीएसपी को ही गोली मार दिया, उसके बाद रांची में जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा की हत्या हुई और अब जूस कारोबारी को मौत के घाट उतारा है, तो ऐसे में तमाम लोग में एक दहशत सी फैल गई है और पुलिस की जो दावा कर रही है कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, लोग निर्भीक होकर अपना कारोबार करें, तो वह दावे हर बार खोखले साबित होते हैं और अपराधी चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और कब अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।